अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अपना जायज़ा लीजिए, अपना हिसाब कीजिए, देखिए, चेक कीजिए अपने आप को। और वो किस तरीके से कि जब ज़िंदगी में हमें धक्के लगते हैं लोगों के रवैये से, तो उस वक्त हमारी असलियत छलकती है। तो देखना ये है कि जब आपको धक्का लगे तो क्या छलका, सब्र, खामोशी, इंसानियत, या गुस्सा, या कड़वाहट, या जुनून, हसद, नफ़रत, हकारत। चुन लीजिए कि हमें अपने किरदार को किस चीज़ से भरना है। फ़ैसला हमारे इख्तियार में है। अल्लाह कादिर है, हाथ से मिसल दिया जाने वाला बीज एक दरख्त बन जाए कि चट्टान की तरह खड़ा हो जाए, तो क्या यही रब आपके पहाड़ दुखों को रेज़ा रेज़ा कर देने पर कादिर नहीं होगा? यकीनन कादिर होगा। आसमान मुश्किलों को सितारा कर देने और समंदर तकलीफ़ों को गुलिस्ता कर देने पर, अल्लाह पर यकीन रखें, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मुश्किलात को, आपकी तकलीफ़ों को भी आसान फरमा देगा। ख़ुद इरशाद फरमाता है, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक मुश्किलात के साथ आसानियाँ भी हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।